हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली अब जो हम लोग नोमरिकल सॉल्व करने वाले इसमें हमको शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो प्लॉट करना है इसमें एक वेरिएशन ये दिया हुआ है कि यहाँ पर ओवरहैंगिंग बीम जो है वो प्रोवाइडेड है प्रीवियसली जो हमने नोमेरिकल सॉल्व किया था उसमें हमने सबसे पहला जो नोमेरिकल देखा था उसमें तीन सिंपली सपोर्ट प्रोवाइडेड थे दो स्पैन प्रोवाइडेड थे उसका हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो बनाया था देन सेकंड नोमेरिकल में हमने क्या किया था तो शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो प्लॉट किया था बेंडिंग मोमेंट डायरेक्टली वहां पर गिवन था थर्ड नोमेरिकल में वैरिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन था हमको और हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो प्लॉट किया था अब ये जो नोमेरिकल है इसमें एक वेरिएशन ये है कि ओवरहैंगिंग बीम जो है यहाँ पर प्रोवाइडेड है तो ये देख लेते हैं नोमेरिकल में क्या गिवन है बीम है ए बी सी डी

तो इंटेंसिटी 15 किलो न्यूटन एंड 12 किलो न्यूटन मतलब लोड कि 15 किलो न्यूटन का है सिमिलरली जो बी सी स्पैन है उसके ऊपर में 12 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड जो है वो एक्ट है ठीक है देन उसके बाद में क्या बोला है पॉइंट लोड ऑफ सिक्स किलो न्यूटन सिक्स किलो न्यूटन का पॉइंट लोड एक्ट है वो कहां पर एक्ट है तो एट पॉइंट डी

ठीक है ये बीम ले लिया हमने तीन सिंपली सपोर्टेड है तो यहां पे तीन सिंपली सपोर्ट ले लेते हैं और ये पोर्शन को हम लोग ओवरहेंगिंग पोर्शन दिखा देते हैं ठीक है ये पोर्शन है हमारा ओवर पोर्शन ठीक है देन इसको नाम दे देते ए बी सी एंड डी ठीक है स्पैन ए बी जो है वो फोर मीटर का स्पैन है तो इसको हम लोग ले, ले लेंगे फोर मीटर स्पैन देन उसके बाद में बीसी का जो स्पैन है वो हमारा फाइव मीटर का स्पैन है तो बी स्पैन फाइव मीटर ठीक है ए बी के ऊपर में पॉइंट कह रही है फिफ्टीन न्यूटन का सेंटर पॉइंट लोड तो सेंटर में फिफ्टीन किलो न्यूटन का पॉइंट लोड एक्ट है देन बी सी जो है उसमें ट्वेल्व न्यूटन का सेंटर में पॉइंट लोड एक्ट है ट्वेल्व किलो न्यूटन ठीक है और ओवरहैंग पोर्शन जो है पॉइंट डी पॉइंट डी के ऊपर में क्या बोला है उसने सिक्स न्यूटन का फोर्स एक्ट है ठीक है तो ये सिक्स किलो न्यूटन का फोर्स हो गया ठीक है अब देखिए और इसका जो स्पैन है वो स्पैन है हमारा वन मीटर का स्पैन ठीक है तो ये हमने डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया ठीक है अब क्या करना है हमको ये देखिए ये जो ओवरहैंगिंग पोर्शन है ठीक है ओवर हैंंगिंग पोर्शन ठीक है तो इसको मोमेंट सी के फॉर्म में हमको कन्वर्ट कर लेना है ठीक है तो मोमेंट एट सी जो है यहां से हमको कैलकुलेट कर लेना है ठीक है तो अभी देखिए यहां पर ये क्लॉकवाइज मोमेंट जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट से हम लोग रिप्लेस कर लेंगे तो करना क्या है सिंपल काम करना है यहां पर

यहां पर क्या हो गया मोमेंट एट सी आ गया हमारा माइनस सिक्स किलो न्यूटन मीटर तो ये ले लेंगे हम लोग माइनस सिक्स किलो न्यूटन मीटर ठीक है अगर सपोज यहाँ पे कोई भी वैल्यू है ठीक है और ये कोई भी डिस्टेंस है तो सिंपल क्या करना है ये पॉइंट लोड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड कर देना है उसका साइन चेंज कर देना है ठीक है देखिए सिक्स मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस ले लिया हमने माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस सिक्स किलोनीटर मीटर ठीक है तो मोमेंट एट सी जो है वो कन्वर्ट हो गया ठीक है ये जो ओवर एगिंग पोर्शन है यहाँ से हमने मोमेंट कैलकुलेट कर लिया मोमेंट एट सी इस इक्वल टू माइनस सिक्स किलोनीटर मीटर पहला काम यही रहेगा हमारा मोमेंट एट सी जो है वो हमको कैलकुलेट कर लेना है ठीक है ओवरहैंग पोर्शन अगर रहता है तो ठीक है देन उसके बाद में इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं को क्योंकि यहां पर हमारे डायग्राम आएंगे तो हमारा पहले सैगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आता है देन उसके बाद में आता है हमारा हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देन उसके बाद में हम लोग प्लॉट करते हैं नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कॉम्बिनेशन होता है वो हम लोग प्लॉट करते हैं देन उसके बाद में हमको शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो प्लॉट करना पड़ता है ठीक है तो अभी यहाँ पे हमने ले लिया देन उसके बाद में जो भी गिवन डेटा है वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर ठीक है तो गिवन डेटा में क्या गिवन है हमको तो सबसे पहले हमको गिवन है यहाँ पर स्पैन ए बी की लेंथ एल वन एल वन इज इक्वल टू फोर मीटर एल टू इज इक्वल टू फाइव मीटर देन उसके बाद में डब्लू वन है डब्लू वन लोड फिफ्टीन न्यूटन डब्ल्यू टू इज इक्वल टू ट्वेल्व किलो न्यूटन ठीक है ये सब हमको गिवन है ठीक है तो स्टेप वन में हम लोग क्या करते थे स्टेटमेंट लिख लेते क्लैपर थ्री मूवमेंट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो हम लोग लिख लेते हैं ठीक है तो यहां पर लिख लेंगे स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन इसमें करना है हमको अपलाइन अपलाइन थ्री मूवमेंट थ्योरम थ्री मोमेंट थेरम फॉर कंटिन्यूस बीम ए बी सी कंटिन्यूस भीम ए बी सी ठीक है तो कंटिन्यूस बीम ए बी सी जो है इसके ऊपर हमको क्या करना है क्लैपरस थ्री मोमेंट थेरम जो है वो अप्लाई कर देना है ठीक है तो इसका स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा एम ए इन टू एलवन प्लस ट्वाइस एम बी एल वन प्लस एल टू प्लस एम सी इन टू एल टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स ए वन एक्स वन बार डिवाइडेड बाय एल वन माइनस सिक्स ए टू एक्स टू बार डिवाइडेड बाय एल टू ठीक है देन उसके बाद में स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा कि ये सिंपली सपोर्टेड है ठीक है सिंपली सपोर्टेड बी में तो यहां पर क्या हो जाएगा मोमेंट एट ए इज इक्वल टू जीरो ठीक है मोमेंट एट बी जो है वो हमको कैलकुलेट करना है कितना है और मोमेंट एट सी जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है ठीक है तो मोमेंट एट सी कितना है हमारा माइनस किलो न्यूटन मीटर ठीक है हमने ये कैलकुलेट कर लिया है ठीक है तो अभी हमको क्या करना है मोमेंट एट बी जो है वो कैलकुलेट करना है और मोमेंट एट सी जो रहेगा वहां पर माइनस सिक्स हमको पुटअप कर देना है ठीक है है देन अब देखिए मोमेंट एट ए तो मैं इसको जीरो कर देता हूं ठीक है ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं ठीक है थीके? तो स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू में हम लोग करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट स्टेप नंबर टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ठीक है तो पहला स्पैन ए बी एम ए बी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट ए बी एम सपोर्टेड बीम है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा ठीक है तो यहां पर पुटअप कर देंगे डब्ल्यू वन एल वन डिवाइडेड बाय फोर ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू W1 डब्ल्यू कितना है हमारा तो 15 है 15 मल्टीप्लाइड बाय एल वन इज फोर डिवाइडेड बाय फोर तो आंसर आ गया हमारा फिफ्टीन किलो न्यूटन मीटर ठीक है तो ये हो गया एम ए बी देन उसके बाद में क्या कैलकुलेट करना है हमको एम बी सी मोमेंट एट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट बी सी ठीक है तो बी सी भी जो है पॉइंट लोड एक्टिंग एट सेंटर है ठीक है तो इसके लिए भी फॉर्मूला सेम हो जाएगा हमारा डब्लू टू एल टू डिवाइडेड बाई फोर ठीक है तो डब्ल्यू टू डब्ल्यू टू की वैल्यू कितनी है ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाय स्पैन है हमारा फाइव मीटर डिवाइडेड बाय फोर ज इक्वल टू इसको कैलकुलेट करने के बाद में आता है हमारा 15 15 किलो न्यूटन मीटर ठीक है तो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई कोइंसिडेंटली एम ए बी और एम बी सी की यार बार आएंगी जरूरी नहीं है यहां पर फिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाई फोर डिवाइडेड बाई फोर था इसलिए फिफ्टीन आ गया और ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाई फाइव डिवाइडेड बाई फोर था इसलिए फिफ्टीन किलो न्यूटन मीटर आ गया कोइंसिडेंटली ये दोनों वैल्यू जो है हमारी सेम आ गई है ठीक है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया देन उसके बाद में यहां पर जो है हमको एरिया का यूज होगा ठीक है एरिया का एक्स वन बार और एक्स टू बार इसका यूज होगा ठीक है तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद में एक्स वन बार एंड एक्स टू बार जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है उसके पहले यहां पर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आई है उसका डायग्राम यहां पे बना लेते हैं ठीक है तो ये डायग्राम बना लेंगे सिंपल ये पॉइंट लोड सेंटर में एक्ट है ठीक है तो इसलिए सेंटर में फिफ्टीन डायग्राम तो या आ गया हमारा 15 किलो न्यूटन मीटर सेम यहां पर भी 15 का ही इंटेंसिटी है ठीक है तो ये भी 15 का बनेगा सेम लेवल पे 15 किलो न्यूटन मीटर ठीक है ये पॉजिटिव डायग्राम है हमारी इसको हम लोग बोलते हैं सैगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ठीक है ये पॉजिटिव डायग्राम और इसको हम लोग बोलते हैं सैगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सैगिंग बी एम डी सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ठीक है सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो है वो हमने प्लॉट कर लिया देन उसके बाद में क्या करना है हमको यहां से एरिया और एक्स वन बार एक्स टू बार ये कैलकुलेट कर लेना है ठीक है स्टेप नंबर थ्री में ले लेते हैं इसको स्टेप नंबर थ्री ठीक है तो स्टेप नंबर थ्री में एरिया एंड एक्स वन बार एक्स टू बार ठीक है ये कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है तो यहां पर ले लेते हैं एरिया ए वन ठीक है तो यहां पर देखिए ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो ट्राइंगल का एरिया होता है हमारा बेस हाइट ठीक है तो फोर मीटर बेस है इन टू हाइट हाइट आ गई है हमारी फिफ्टीन तो वन अपॉइंट टू बेस इंटू हाइट ले लिया हमने ठीक है तो वन अपॉइंट टू बेस इन टू हाइट करने के बाद में एरिया आता है हमारा थर्टी थर्टी मीटर स्क्वायर ठीक है तो थर्टी मीटर से स्क्वायर आपका एरिया आ गया यहां पर थर्टी मीटर स्क्वायर ठीक है Then, उसके बाद में ए टू लेना है A2. अब फाइव मीटर है, है, तो और इसकी हाइट जो है वो फिफ्टीन है ठीक है तो इसका आंसर आ जाएगा थर्टी सेवन पॉइंट फाइव थर्टी सेवन पॉइंट फाइव मीटर स्क्वायर ठीक है तो यहां से हमने ए वन कैलकुलेट कर लिया और A2 कैलकुलेट कर लिया ठीक है A1 आ गया हमारा 30 मीटर स्क्वायर एंड A2 आ गया 37.5 सेवन मीटर स्क्वायर ठीक है देन उसके बाद में कैलकुलेट करना है हमको X1 बार ठीक है तो अब देखिए यहाँ से X1 बार ये जो होता है ये पोर्शन होता है हमारा X1 बार ठीक है ये वाला पोर्शन और X2 बार मतलब इसका सी जी जो है यहाँ से एक्स टू बार कितने डिस्टेंस पर लाई कर रहा ठीक है तो ये लेते हैं हम लोग लेफ्ट सपोर्ट से इसको लेते हैं हम लोग राइट right सपोर्ट से ठीक है तो यहां पर सेम है सिमेट्रिकल सेक्शन है ठीक है तो इसलिए हाफ हो जाएगा ये फोर डिवाइडेड बाई टू एज इक्वल टू टू मीटर और x2 टू बार हो जाएगा हमारा फाइव डिवाइडेड बाई टू इसवल टू टू पॉइंट फाइव मीटर ठीक है तो यहां से हमने x1 वन बार और x2 टू बार जो है वो कैलकुलेट कर लिया a1 वन एंड ए इनकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली ठीक है तो ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ये वैल्यू हम लोग यहां पर फुटअप कर देंगे ठीक है यहां पर फुटअप करने के बाद में एम का वैल्यू जो है वो हम लोग यहां से फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है तो यहां पे देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगा ये सो स्टेप नंबर फोर उसमें ले लेते हैं हम लोग स्टेप नंबर फोर में स्टेप फोर अब ये वैल्यू पुट अप कर देंगे हम लोग इसमें ठीक है तो एम बी एम बी यहां से निकालना है एम बी टू वॉट ठीक है तो एम बी की वैल्यू कितनी है वो हमको कैलकुलेट करना है ठीक है तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए टू टाइम्स एम बी इन टू एल वन एल वन इज फोर मीटर प्लस एल टू इज फाइव मीटर प्लस अब देखिए एम सी सी मोमेंट एट सी हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है तो C, है तो मोमेंट कितना हमारा न्यूटन मीटर ठीक है तो ये कर इज इक्वल टू माइनस सिक्स इन टू ए वन एरिया ऑफ सेक्शन वन तो ए वन देखिए ए वन थर्टी मीटर स्क्वायर ठीक है तो ये थर्टी तो तो ले लेंगे यहां पर टू एक्स वन ठीक है एक्स वन बार कितना है हमारा टू मीटर है डिवाइडेड बाय एल वन एल वन इज फोर मीटर ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट माइनस सिक्स ए ए टू टू लेना है हमको ए टू जो है हमारा आया थर्टी सेवन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाय टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय फाइव ठीक है यह ले लिया हमने तो यह हो गया हमारा टू टाइम्स एम बी फोर प्लस फाइव प्लस इन ब्रैकेट माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाई फाइव इज इक्वल टू माइनस सिक्स थर्टी मल्टीप्लाइड बाई टू डिवाइडेड बाई फोर माइनस सिक्स थर्टी सेवन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई फाइव ठीक है शिफ्ट सॉल्व करना है और यहाँ से एम बी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है ठीक है शिप सॉल्व करने के बाद में एम बी की वैल्यू हमको मिल जाएंगी तो एम बी इज इक्वल टू माइनस नाइन पॉइंट फाइव एट थ्री किलो न्यूटन मीटर ठीक है तो यह एमबी की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएंगे सॉल्व करने के बाद में वो हमारी आ गई माइनस नाइन पॉइंट फाइव एट थ्री नाइन पॉइंट फाइव एट थ्री किलोमीटर मीटर ठीक है अब इसको क्या करना है हमको यहां से हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो बना लेना है ठीक है तो इसका हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग बना लेते हैं ठीक है अब देखिए एमबी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस नाइन पॉइंट फाइव एट थ्री ठीक है तो इसको ले लेंगे हम लोग यहां पर 9.583 ठीक है और जो एम की वैल्यू है वह हमारी माइनस सिक्स ठीक है तो ये वैल्यू ले लेंगे यहां पर सिक्स न्यूटन मीटर ठीक है यहां से इसको जोड़ देना है ठीक है और यहां पर है जीरो ठीक है तो ये हमारा हो गया हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ठीक है ये हमारी हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देन इसके बाद क्या करना है हमको ये दोनों का कंबाइंड करके नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो हमको ड्रॉ कर लेना है ठीक है तो नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल लेते हैं ठीक है ये सिक्स उसके बाद में जीरो ठीक है सिक्स न्यूटन मीटर देन इधर में नाइन पॉइंट फाइव एट थ्री किलो न्यूटन मीटर देन सेंटर में जो एक्ट हुआ है ठीक है ये सेंटर में ठीक है इधर में भी सेंटर में ठीक है तो ये फिफ्टीन इंटेंसिटी है ठीक है तो फिफ्टीन निकालेंगे यहाँ से ये फिफ्टीन की लाइन ठीक है तो फिफ्टीन किलो न्यूटन मीटर ठीक है यहाँ पर भी सेम आ जाएगा फिफ्टीन किलोनीटन मीटर का ठीक है ये हो गया हमारा फिफ्टीन किलोनीटन मीटर ठीक है ये डायग्राम पॉजिटिव पॉजिटिव डायग्राम और ये पोर्शन हमारा नेगेटिव पोर्शन रहेगा सिमिलरली ये पोर्शन भी नेगेटिव पोर्शन रहेगा ठीक है ये न्यूट्रल पोर्शन हो गया तो ये हो गया हमारा हॉगिंग सैगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और ये आपकी नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ठीक है और इसके नीचे हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे ठीक है तो अब देखिए यहां पर एम बी निकल गया इसके बाद का जो काम रहता है हमारा वो हमको कैलकुलेट करना रहता है शेयर फोर्स कैलकुलेशन ठीक है तो अब इसके बाद करते हैं एस एफ कैलकुलेशन स्टेप नंबर फाइव एस एफ कैलकुलेशन शेयर फोर्स कैलकुलेशन ठीक है तो इसमें हमने क्या किया था बीम को हमने सेपरेट कर लिया था दो पार्ट में अभी देखिए यहाँ पे ओवर एंग पोर्शन है तो तीन पार्ट में हम लोग सेपरेट कर लेंगे ए बी बी सी एंड सी डी ठीक है तो तीन पोर्शन में इसको सेपरेट कर लेते हैं बीम को ठीक है पहला पोर्शन जो है हमारा ए बी वाला पोर्शन उसको ले लेते हैं ठीक है दूसरा जो पोर्शन रहेगा वो पोर्शन रहेगा हमारा बी सी वाला पोर्शन और तीसरा लास्ट वाला ओवर एंग पोर्शन ठीक है तो ये तीन पोर्शन में हमने ले लिया इसको ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम जो गिवन है देन इधर में आपका ओवरैंक पोर्शन है सिक्स न्यूटन का ओवर एंक पोर्शन वन मीटर इसकी लेंथ देन उसके बाद में ये फोर मीटर का पोर्शन है और इसके ऊपर में पॉइंट लोड एक्ट है फिफ्टीन न्यूटन का तो ये फिफ्टीन न्यूटन का पॉइंट लोड एक्ट कर देंगे यहाँ पे सेंटर में ट्वेल्व न्यूटन का पॉइंट लोड एक्ट है और फाइव मीटर का हमारा ये टोटल जो है वो स्पैन है ठीक है ये टोटल फाइव मीटर का स्पैन ले लिया ठीक है देन उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग मोमेंट जो है वो मार्क करेंगे एम बी देखिए यहां पर ये ए A, A है आपका ये बी वन ले लेंगे इसको बी टू देन सी वन एन सी टू तो ये हो गया आर ए रिएक्शन एट ए रिएक्शन एट बी वन बी टू रिएक्शन एट सी वन एन रिएक्शन एट सी टू ठीक है ये ले लेंगे हम लोग देन इसके बाद में मोमेंट मार्क कर लेंगे ठीक है यहाँ पर आपका क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज देन अगेन क्लॉकवाइज़

ठीक है ये तीनों साइड में कैलकुलेशन आ जाएंगे इसके ठीक है और उससे फिर हमको शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो प्लॉट कर लेना है ठीक है तो अब देखिए इसके कैलकुलेशन में अभी पहले आर ए प्लस आर बी वन आर ए प्लस आर बी वन इज इक्वल टू फिफ्टीन ऊपर जाने वाले पॉजिटिव लिए हमने और नीचे आने वाले फोर्सेस जो है वो निगेटिव फोर्सेस ले लिए ठीक तो है तो आर ए अपोर्ड या रहा है आर बन अपोर्ड या रहा है डाउनवर्ड जो है वो फिफ्टीन आ रहा है ठीक है तो ये इक्वेशन वन दे दिया मैंने ठीक है देन उसके बाद में क्या करना है हमको समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए

और वन जो है उसकी वैल्यू हमको यहां से कैलकुलेट कर लेना है तो क्या करना है हमको आरबी वन की वैल्यू कैलकुलेट करो ठीक है तो वह आती है हमारी नाइन पॉइंट एट नाइन नाइन पॉइंट एट नाइन किलोमीटर ठीक है ये वैल्यू हमको मिल गया आर बी वन का ठीक है देन ये आरबी वन की वैल्यू क्या करना है हमको इसको कर देना है ये इक्वेशन वन में ठीक है और यहां से हमको जो है आर ए का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है ठीक है तो आर ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा ठीक है तो यहां से आर ए कैलकुलेट कर लेंगे इसमें क्या करना है फिफ्टीन माइनस नाइन पॉइंट एट नाइन ठीक है तो आर ए आ जाएगा हमारा फाइव पॉइंट इलेवन किलो न्यूटन फाइव पॉइंट वन वन किलो न्यूटन ठीक है ये कैलकुलेट कर लिया हमने देन इसके बाद में क्या करना है ये बीम कंसिडरेशन में हमको लेना है अब देखिए यहां ध्यान रखना है कि यहां पे दो मोमेंट है यहां पर एक मोमेंट है यहां पर एक मोमेंट है ठीक है तो ये दो मोमेंट को आपको कंसिडरेशन में जो है वो लेना पड़ेगा ठीक है तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा आरबी टू प्लस आर सी वन इज इक्वल टू ट्वेल्व तो ये इक्वेशन वन हो गया हमारा Then, उसके बाद में हमको लेना है समेशन ऑफ मोमेंट एट बी टू इज इक्वल टू जीरो माइनस नाइन पॉइंट फाइव एट थ्री देन उसके बाद में ये ट्वेल्व है प्लस ट्वेल्व मल्टीप्लाइडेंस टू पॉइंट फाइव मीटर देन उसके बाद में ये मोमेंट है सिक्स किलोमीटर का तो ये प्लस सिक्स ले लेंगे उसके बाद में माइनस आर सी वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस आर सी वन मल्टीप्लाइड बाय फाइव मीटर इज इक्वल टू बाद में शेप सॉल्व करना है और आर सी वन की वैल्यू हमको यहां से कैलकुलेट करना है तो आरसी वन की वैल्यू आती है फाइव पॉइंट टू एट आर सी वन इज इक्वल टू फाइव पॉइंट टू एट ठीक है ये आर सी वन की वैल्यू हमारी कैलकुलेट गई देन आरसी वन की वैल्यू बुटअप कर देना इक्वेशन वन में और यहां से हमको जो है वो आर बी टू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है ठीक है तो आर बी टू इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस फाइव पॉइंट टू एट ठीक है तो यहां से आर बी टू कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है तो ट्वेल्व माइनस फाइव पॉइंट टू एट करना है हमको और आर बी टू की वैल्यू कैलकुलेट करना है वो आती है हमारी सिक्स पॉइंट सेवन टू सिक्स पॉइंट सेवन टू किलोनीटर ठीक है यहां से ये कैलकुलेट हो गया आर बी टू ठीक है अब देखिए यहां पर क्या करना है हमको समेशन ऑफ मोमेंट एट समेशन ऑफ मोमेंट एट डी इज इक्वल टू जीरो डी पे मोमेंट लेना है ठीक है डी पे मोमेंट लेंगे तो देखो पहले ये यहां पर एंटी क्लॉक वाइज दिख रहा तो माइनस सिक्स आ जाएगा माइनस सिक्स देन उसके बाद में प्लस ये आर सी टू प्लस आर सी टू मल्टीप्लाइड बाय प्लस आरसी टू ले लिया हमने आर सी टू मल्टीप्लाइड बाय मीटर इज इक्वल टू जीरो से कैलकुलेट करने के बाद में आरसी टू की वैल्यू मिल जाएंगी वो हो जाएंगी हमारी सिक्स किलो न्यूटन पॉजिटिव आर सी टू की वैल्यू मिल गई हमारी आर सी टू इज इक्वल टू सिक्स किलो न्यूटन ठीक है तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया ठीक है अब इस ये जो हमने वैल्यूज निकाली है ये वैल्यूज के बेस पे हम लोग जो है वो शेयर फोर्स डायग्राम जो है यहाँ से प्लॉट करेंगे ठीक है तो अभी पहले सबसे पहले एक बेस लाइन निकाल लेते हैं इसकी एक हमने बेस लाइन निकाल ली ये पोर्शन पॉजिटिव पोर्शन नीचे वाला पोर्शन तो नेगेटिव exactly तो तो हमको देखना है आर ए की वैल्यू आर ए कितना है तो फाइव पॉइंट वन है ठीक है तो फाइव पॉइंट वन वन का रेक्टेंगल फॉर्म कर लेंगे यहां पर तो यह आ जाएगा हमारा फाइव पॉइंट वन वन फाइव पॉइंट वन वन किलोमीटर कंटिन्यू रहेगा यहां पर फाइव पॉइंट वन वन देन उसके बाद में आरबी वन देखना है हमको आरबी वन कितना है नाइन पॉइंट एट नाइन किलो न्यूटन ठीक है तो ये नीचे आएगा नाइन पॉइंट एट नाइन किलो न्यूटन ठीक है तो यहां तक आ गया Then, continue ये नाइन पॉइंट एट नाइन किलो न्यूटन देन कंटिन्यू है ये नाइन पॉइंट एट नाइन यहां पर नाइन पॉइंट एट नाइन किलो न्यूटन देन उसके बाद में देखिए यहां पर आपका जो है बी पे आरबी टू आरबी टू की वैल्यू आरबी टू की वैल्यू है सिक्स पॉइंट सेवन टू किलो न्यूटन ठीक है ये फोर्ड जा रहा सिक्स पॉइंट सेवन टू ठीक है वही पॉइंट पे ऊपर सिक्स पॉइंट सेवन टू किलोन्यूटर देन कंटिन्यू सिक्स पॉइंट सेवन टू कंटिन्यू रखेगा देन उसके बाद में देखिए सिक्स पॉइंट सेवन टू देन उसके बाद में चेंजेस आरसी वन ठीक है आर सी वन कितना है फाइव पॉइंट टू एट ठीक है डाउनवर्ड 5.28 ये आ गया, गया 5.28 पॉइंट किलो न्यूटन कंटिन्यू 5.28 देन उसके बाद में देखिए आरसी टू आरसी टू है हमारा 6 किलो न्यूटन ठीक है तो ये 6 किलोन्यूटन का ले लेंगे ऊपर 6 किलोन्यूटन देन कंटिन्यू 6 किलो न्यूटन Then, ठीक है अब देखिए यहाँ पर 6 किलो का फोर्स है ये नीचे जाएगा ठीक है तो ये नीचे 6 माइनस सिक्स ये हो गया जीरो ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जीरो ठीक है तो ये जो डायग्राम बनी है आपकी ये पॉजिटिव डायग्राम देन उसके बाद में ये भी पोर्शन पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव पोर्शन और ये भी आपका निगेटिव निगेटिव पोर्शन और ये होगी आपकी एस एफ फोर्स डायग्राम ठीक है तो ये हो गई हमारी शेयर फोर्स डायग्राम ठीक तो है तो यहां पे देखिए फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं न्योमेरिकल को ये न्यूमेरिकल जो था इसमें ओवरहेंगिंग पोर्शन गीवन था ठीक है सबसे पहला काम क्या किया हमने ओवरहेंगिंग जो पोर्शन है ठीक है उसको कन्वर्ट कर लिया और मोमेंट एट सी जो है वो कैलकुलेट कर लिया माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस सिक्स किलोमीटर मीटर ये आ गया हमारा ठीक है जो गीवन था वो लिख लिया लेंथ ऑफ ए बी वो था फोर मीटर और बी का जो लेंथ था वो था हमारा फाइव मीटर देन उसके बाद में डब्लू वन फिफ्टीन किलो न्यूटर डब्लू टू ट्वेल्व था <coughs> हमने क्या किया उसके बाद में थ्री मोमेंट थ्योरम जो है वो अप्लाई कर लिया कंटिन्यूस बीम ए के लिए तो उसका स्टेटमेंट हमने लिख दिया देन उसके बाद में देखिए यहां पर मोमेंट एट ए जो है वो सिंपली सपोर्टेड है वो जीरो हो गया देन मोमेंट एट बी कैलकुलेट करना है और मोमेंट एट सी हमने यहाँ निकाल लिया वो आ गया हमारा माइनस सिक्स न्यूटन मीटर देन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया पॉइंट कियान एक्स वन और एक्स टू कैलकुलेट कर लिया एक्स वन लेफ्ट सपोर्ट से डिस्टेंस सी जी का कहां पर लाई कर रहा वो एक्स वन और राइट right सपोर्ट से डिस्टेंस सी जी का वो हमने कैलकुलेट कर लिया ठीक है तो फोर डिवाइडेड बाई टू टू मीटर फाइव डिवाइडेड बाई टू टू पॉइंट फाइव मीटर ये हमने कैलकुलेट कर लिया देन उसके बाद में हम हमने क्या किया जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट किए वो इक्वेशन वन में पुटअप कर दी और वहाँ से हमने एम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली एम आ गया हमारा नाइन पॉइंट फाइव एट थ्री किलोमीटर मीटर देन उसके बाद में हमने क्या किया तो हमने हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बना ली और नेट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो है वो बना ली देन उसके बाद में हमको शेयर फोर्स कैलकुलेशन जो है वो कैरिड आउट करना था तो हमने तीन स्पैन को सेपरेट कर लिया और उसके बाद में रिएक्शंस कैलकुलेट की यहाँ से और आर और आर वन की वैल्यू कैलकुलेट की आर टू और आर वन की और आर टू की वैल्यू कैलकुलेट की वो कैलकुलेट करने के बाद में हमने शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो प्लॉट कर लिया ठीक है तो इतना कैलकुलेशन जो है ये न्यूमेरिकल में हमको कैरिड आउट करना था